नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 23 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उन सब का एनालिसिस किया था। आज के इस लेक्चर में 24 नवंबर से लेकर आज तक यानी कि 8 दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का एनालिसिस करेंगे। हालांकि हमने पिछले सप्ताह नहीं एनालिसिस किया था किसी कारणवश, लेकिन आपका एक भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं होगा। आज के इस लेक्चर में हम पिछले 2 सप्ताह के जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का एनालिसिस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। और आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक आने वाला है और आपके बहुत सारे सवाल भी हैं। करंट अफेयर्स कितने महीनों का तैयार करें, सबसे कॉमन सवाल है आपका। तो एटलीस्ट आप लोग 1 साल का तो करंट अफेयर तैयार करके जाइएगा ही। आपका जनवरी 15 तक के करंट अफेयर्स आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, यानी कि 15 जनवरी 2021 तक आप लोग करंट अफेयर करिएगा ही करिएगा, अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो। और मैं शुरू में भी बोला था कि करंट अफेयर्स आप लोग रेगुलर पढ़ा कीजिए। लास्ट महीने में अगर आप सोचते हो कि तैयारी कर लोगे तो आपका तैयारी तो हो जाएगा, लेकिन बेहतर तरीके से नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिस होगा ही। तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे करते रहिएगा। और इस लेक्चर का अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया रहेगा, तो वहाँ से भी आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़कर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो। चैनल पे अगर आप किसी भी तरह के करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, पिछले लेक्चर में हम जितने भी टॉपिक्स को एनालिसिस किए थे उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। एनालिसिस किया था हमने, ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा। नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो प्रीवियस वीडियो में जितने हम टॉपिक्स एनालिसिस किए रहते हैं और उसके आधार पे जो क्वेश्चंस मैक्सिमम चांसेस रहता है कि इसका पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में महिलाओं के लिए शुरू की जाने वाली स्पेशल महिला मेडिकल मोबाइल क्लिनिक का नाम है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, पिछले वीडियो में हमने ब्रीफ में एनालिसिस किया था, तो इसे अच्छे से करके जाइएगा। और अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 में किस जिले को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, इसका जवाब भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस जिले की बेटी अनुपा दास ने सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाली कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति सीजन 2020 में 1 करोड़ रुपए जीती है। सरगुजा, बस्तर, रायपुर या फिर राजनांदगांव। चारों क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, टिक। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं आज के अपने एनालिसिस की तरफ। तो जो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हमारा सबसे पहला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर धान की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। देखिए, जितने भी फसलों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाता है वो सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो धान की खरीदी हो, मक्का की खरीदी हो, दलहन, तिलहन, जिन फसलों की अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी की जा रही है तो वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हर साल किसी न किसी फसल से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और खासकर छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो धान, मक्का, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो इसीलिए आप इसे बहुत अच्छे से केयरफुली करके जाइएगा, किसी भी डेटा में कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पिछले वीडियो में भी एनालिसिस किया था, लेकिन कुछ अपडेटेड डेटा है तो इसे हम एनालिसिस कर लेते हैं। शुरुआत कब से हो रहा है धान की खरीदी का, शुरुआत हो चुका है 1 दिसंबर से, कब तक चलेगा 31 जनवरी 2021 तक। पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है, यानी कि इस वर्ष कितने किसान धान बेचने वाले हैं जिन्होंने पंजीयन कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, वो है 21,29,764। और धान का रकबा कितने हेक्टेयर में इस वर्ष बोया गया है, तो वो है आपका 27,59,385 हेक्टेयर से भी अधिक। ये डेटा याद रखिएगा, यहाँ से भी आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है। धान उपार्जन केंद्रों की संख्या, यानी कि जहाँ पर किसान धान बेचेंगे उन केंद्रों की संख्या कितनी है, तो 2305। और इस वर्ष 257 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। और इस वर्ष जिस प्रकार से धान पर समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ सरकार या फिर राजीव गांधी न्याय योजना की जो रकम दी जा रही है, तो किसानों की संख्या जो है धान की वो बढ़ा है, और इसीलिए इस वर्ष जो है मंडियों की संख्या भी केंद्र यानी कि केंद्र की संख्या भी बढ़ाई गई है। कितना वृद्धि किया गया, 257,
ये केंद्रों की संख्या याद रखिएगा, क्योंकि एक वर्ष जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और विगत वर्षों में धान की खरीदी किस प्रकार से हुई है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है आपसे करेंट ईयर का ना पूछ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछ देता है। तो अगर हम 2017-18 की बात करें तो 56.85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, 2018-19 में 80.38 लाख मीट्रिक टन, और प्रीवियस ईयर यानी कि 1920 में 83.94 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। और ये दोनों वर्ष, लास्ट के जो दोनों वर्ष है, 85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। देखिए, इस वर्ष यानी कि खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया गया है, जो कॉमन धान होता है उसके लिए 1868 रुपये। एक वीडियो में शायद मैंने 1825 बताया था, तो उसे अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि 1868 है कॉमन धान के लिए, और जो ए ग्रेड का धान होता है उसके लिए 1888 रुपये पर क्विंटल है। तो इसे आप अपडेट कर लीजिएगा। और चूंकि अभी जो धान की खरीदी 1 दिसंबर से की जा रही है, इसी रेट पे किया जाएगा, और 2500 रुपये तक पहुंचने में जो शेष राशि बच जा रही है वो राज्य सरकार किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत में उनके जो बैंक अकाउंट में है रकम देगी। तो ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष चूंकि 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की जाती है, छत्तीसगढ़ सरकार में एक बहुत बड़ी रकम दी जाती है किसानों को, तो यहाँ पर किसानों की संख्या भी बढ़ी है और लक्ष्य भी, ऐसा सरकार का कहना है कि लगभग 90 लाख मीट्रिक टन के आसपास जो है छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी की जा सकती है। क्लियर। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये भी है समर्थन मूल्य से ही संबंधित। इस वर्ष यानी कि खरीफ वर्ष 2020-21 में मक्के की खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है, किस प्रकार से खरीदी की जाएगी, ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा। कब से कब तक खरीदी की जाएगी, तो 1 दिसंबर से 31 मई तक आपका जो धान की खरीदी है वो 2 महीने तक किया जाएगा, 1 दिसंबर से आपका 31 जनवरी तक, लेकिन मक्के की खरीदी जो है 1 दिसंबर से 31 मई तक किया जाएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। कीमत जो है 1850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रखा गया है, और जिन किसानों के पास में मान लीजिए 10 एकड़ की भूमि है, तो छत्तीसगढ़ सरकार कितना उससे मक्का खरीदेगी, अगर उसने 10 एकड़ पे लगाया है तो 1 एकड़ के हिसाब से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मक्का की खरीदी जो है वो सरकार करेगी। और समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी जो है प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लैंपस के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कौन से जिले में किया जाता है, तो वो है आपका कोंडागांव। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से यानी कि 2019 और 20 के डेटा के हिसाब से जो मक्के का उत्पादन हुआ था वो आपका 7.5 लाख मीट्रिक टन हुआ था, जिसमें से कोंडागांव जिले में अगर हम सिर्फ बात करें तो 1.42 लाख यानी कि 1,42,000 मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन सिर्फ कोंडागांव में हुआ था। और कोंडागांव में मक्के का उत्पादन इस कदर होता है कि वहां के किसानों के द्वारा वर्ष 2020 में जनवरी में ही मक्का महोत्सव मनाया गया था कोंडागांव में। तो मक्का उत्पादन से संबंधित इतने पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, और धान वाला भी ध्यान रखिएगा, मक्का वाला भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपसे एक न एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन जाती है। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फार्म स्थित है। तो इस टॉपिक में कुछ खास नहीं है, बस आपको 1-2 पॉइंट याद रखना है इसमें। जैसे छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फार्म है, तो ये कौन से जिले में स्थित है ये याद रखना है, आपका दुर्ग जिले में स्थित है। ब्लॉक कौन सा है, तो धमदा है। गाँव का नाम क्या है, धौराभाटा है। और यहाँ 181 एकड़ में जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है, इसका क्षेत्रफल है, और 20 प्रकार से अधिक के सब्जियों या फिर फलों का यहाँ पर जो है वो उत्पादन किया जाता है ऑर्गेनिक रूप से, और इसके अलावा और भी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखना है, वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिक फार्म है वो आपका, ऐसा दावा किया जाता है कि दुर्ग जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इतने पॉइंट्स को आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, कुछ खास नहीं है इस टॉपिक पे। क्लियर। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है, राउत नाचा महोत्सव 2020 के बारे में है। देखिए, मैं पूरे साल भर करंट अफेयर पढ़ने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप लास्ट के 1 महीने में करंट अफेयर पढ़ोगे तो सिर्फ डायनेमिक पढ़ोगे, और आपके हिसाब से करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने आते हैं, मान लो 10-12, आप ऐसा ही सोचते हो, है ना। लेकिन देखिए, अगर आप पूरे साल भर करंट अफेयर से अपडेटेड रहोगे तो हो सकता है आप सिर्फ 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ आप करंट अफेयर से कर लोगे। कैसे,
यहाँ अगर साल भर अपडेटेड रहते हो तो ना सिर्फ आप डायनेमिक पार्ट कवर करोगे बल्कि स्टैटिक पार्ट भी कवर हो जाएगा। जैसे टॉपिक है राउत नाचा महोत्सव, छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट हो जाता है, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी आर्ट एंड कल्चर के प्रोग्राम्स हैं, तो वो साल में कभी ना कभी तो होगा, किसी न किसी डेट पर होगा ही ना, तो वो करेंट अफेयर में अपडेट हो जाएगा। इसलिए इसी तरह से पॉलिटी के सब्जेक्ट्स हो गए, इकोनॉमिक के सब्जेक्ट तो है ही डायनेमिक, तो इस तरह से आप यहाँ पूरे अगर साल भर करेंट अफेयर से अपडेटेड रहते हो तो नहीं भी तो 30 से 35 क्वेश्चन आप अच्छे से स्कोर कर लोगे। यहाँ पर आपके सक्सेस का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पूरे साल भर करेंट अफेयर पढ़ा करो, और अगर आप पढ़ सकते हो तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीकली करंट अफेयर्स का सीजन अगर पढ़ सकते हो सीरीज तो पढ़ लो, और नहीं तो लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स वाला प्रोग्राम आएगा ही 25 घंटे का, और उसमें पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कवर हो जाए और आपका प्रीलिम्स एग्जाम अच्छे से तैयार हो जाए करंट अफेयर्स के हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे राउत नाचा महोत्सव 2020 की। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि राउत नाचा महोत्सव जो है वो बिलासपुर शहर में मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और यह महोत्सव जो है वो यादव समाज के द्वारा मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ संस्कृति की यहाँ पर एक छटा सी दिखती है, और लोक संस्कृति का यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और इस वर्ष जो संस्करण है ये 43वां यानी कि 43rd संस्करण है। इस वर्ष मनाया गया 5 दिसंबर 2020 को, और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा ही किया गया। राउत नाचा फेस्टिवल से रिलेटेड जो है इतने पॉइंट्स को याद रखिएगा। संस्करण कौन सा था ये याद रखिएगा, 2020 का यादव समाज द्वारा मनाया जाता है, खासकर बिलासपुर शहर में ये बहुत फेमस है, और बिलासपुर शहर में प्रत्येक वर्ष इसका महोत्सव का आयोजन किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 30% जो है रजिस्ट्री इस वर्ष बढ़ा है नवंबर के महीने में। जो लैंड्स होते हैं और अगर खरीद बिक्री होता है उसके लिए रजिस्ट्री होता है यानी कि दस्तावेजों का पंजीयन होता है, वो 30% तक बढ़ोतरी देखा गया है, और इससे जो है छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। कैसे होती है आप यहाँ पर एक आंकड़ा देख सकते हो, अगर हम वर्ष 2019 के नवंबर की बात करें तो यहाँ पर जितने रजिस्ट्री हुए थे यानी कि दस्तावेजों का जो पंजीयन हुआ था उसकी संख्या थी 14,510 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था, जबकि वर्ष 2020 में ये बढ़कर हो गया 18,926 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ यानी कि रजिस्ट्री हुआ कोरोना काल के बावजूद भी। अगर यही पंजीयन को हम रकम में बदल दें कि इससे कितना रकम प्राप्त हुआ, तो अगर आप 2019 नवंबर की बात करो तो 93,42,00,000 रुपये प्राप्त हुआ था, और नवंबर 2020 में यह रकम बढ़कर हो गया 117,99,00,000 रुपये यानी कि 118 करोड़ रुपये। इतना राजस्व प्राप्त हुआ सिर्फ एक महीने में लैंड रजिस्ट्री के तहत, तो 30% की बढ़ोतरी देखी गई, और रकम में यहाँ पर 26% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये डेटा याद रखिएगा, वन डे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप टेंशन मत लीजिए। मैंने बोला कि इसका जो PDF है आपको 10 से 12 घंटे बाद टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाता है, तो वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है, राज्य के 12वें मुख्य सचिव के रूप में अपॉइंट कर लिए गए हैं अमिताभ जैन। इस टॉपिक को हम पहले पढ़ चुके हैं, चूंकि अब इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए छत्तीसगढ़ में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, CGPSC या फिर व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन होता है, चाहे राज्यपाल हो गया, चाहे चीफ जस्टिस हो गया, या कैबिनेट में किसी को अपॉइंट किया गया है, या फिर कोई सीनियर या फिर कोई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपॉइंट किए गए, तो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वरिष्ठ IAS अफसर हैं अमिताभ जैन, इन्हें छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 12वां मुख्य सचिव ये होंगे, 12वें होंगे, और ये जो है RP मंडल की इन्होंने जगह लिया है। अगर हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के गठन से लेकर अब तक मुख्य सचिवों की स्थिति देखें तो इस प्रकार से है। अगर यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ क्लियर दिख जाएगा। अरुण दुबे जो है वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव थे और लास्ट मुख्य सचिव थे RP मंडल, जो कि 30 नवंबर 2020 को रिटायर हो गए, और 1 दिसंबर 2020 से अमिताभ जैन का कार्यकाल शुरू हुआ, जो कि कब तक चलेगा आपका 2023 तक। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से करिएगा। उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 जो है गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। पूरे देश भर के जितने भी थाना है उनका एनालिसिस करने के बाद, रिकॉर्ड देखने के बाद टॉप 10 रैंकिंग जारी किया जाता है। इसमें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का झिलमिली थाना जो है पूरे देश भर में 4th स्थान पर रहा,
मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर पहले स्थान की बात करें तो मणिपुर का थौबल, दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु का सेलम शहर, और अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग जो है वो तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का झिलमिली थाना को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। टॉप 10 का भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है, हालांकि पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर देखना चाहो तो देख लेना। और गृह मंत्रालय उत्कृष्ट थाना को लेकर कराए गए सर्वे में वर्ष 2019-20 का नेशनल क्राइम ब्यूरो के तहत जो भी मानक तय किए गए या फिर इसका जो भी डेटा होता है उस डेटा के आधार पर इस सम्मान को या फिर इस रैंकिंग को रिलीज किया जाता है। क्लियर है, भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। और सूरजपुर के कौन से थाना को मिला है ये भी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, दिव्यांग जन राज्य स्तरीय पुरस्कार 2020, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के अवसर पर समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा राजधानी रायपुर में दिव्यांग जन राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कुछ कैटेगरी में दिव्यांगजनों के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले जिलों को भी सम्मानित किया गया, और इसके अलावा कुछ कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया है 3 कैटेगरी में। तो सबसे पहले पॉइंट पे याद रखिएगा कि सर्वोच्च जिला के श्रेणी में कौन से जिले को सम्मानित किया गया, तो बालोद जिला दिव्यांगजनों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए इसे सर्वोत्तम जिला श्रेणी में सम्मानित किया गया, याद रखिएगा बालोद जिला के बारे में। अगर सर्वोत्तम दिव्यांगजन कर्मचारी की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया। पहला, दृष्टिबाधित यानी कि कोई देख नहीं सकता, उस कैटेगरी में जांजगीर चांपा जिले के श्री राजेंद्र कुमार बहरा को सम्मानित किया गया। श्रवण बाधित श्रेणी यानी कि अगर कोई सुन नहीं सकता तो वो बिलासपुर जिले के हैं, श्री अशोक कुमार तंबोली, इन्हें सम्मानित किया गया। और अस्थि बाधित श्रेणी यानी कि धमतरी जिले के श्री संतोष कुमार बांधव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किन के कौन से जिला को मिला, फिर कर्मचारियों के कैटेगरी में कौन कौन से कैटेगरी में किसे मिला, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार चाहे वो व्यापम हो चाहे वो CGPSC हो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा, राज्य भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को। इस वर्ष भी मनाया गया 28 नवंबर ही, क्यों? क्योंकि इसी दिन राज्य भाषा आयोग विधेयक जो है विधानसभा में पास हुआ था 28 नवंबर 2007 को, और इसी के उपलक्ष्य हर साल जो है 28 नवंबर को राज्य भाषा दिवस मनाया जाता है। और इस राज्य भाषा का आयोग का विधेयक जो है वो राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, तो 11 जुलाई 2008 को इसका राजपत्र में प्रकाशित हुआ, और इस आयोग ने कार्य करना शुरू किया यानी कि इफेक्टिव हुआ 14 अगस्त 2008 को। तो याद रखिएगा, और इस आयोग के प्रथम सचिव जो हैं वो पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे थे। तो इससे रिलेटेड कुछ इतने पॉइंट्स को आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। क्लियर, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण यानी कि नवा रायपुर अटल सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में है। हाल ही में इस अथॉरिटी का प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके पूर्व सचिव RP मंडल यानी कि राजेंद्र प्रसाद मंडल को अपॉइंट किया गया है, जो कि 30 नवंबर को ही सेनावृत्त हुए हैं यानी कि रिटायर हुए हैं मुख्य सचिव के पद से। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है RP मंडल का। और ये कब तक अपने पद पर रहेंगे? तो जब तक राज्य सरकार चाहेगी तब तक, यानी कि जब राज्य सरकार अगला आदेश जारी कर इन्हें हटा देती है तब हट जाएंगे, नहीं तो ये अपने पद पर रहेंगे। ठीक है, और इन्हें जो है छत्तीसगढ़ नगर ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 85 के तहत अपॉइंट किया गया है। तो बस इनका नाम याद रखिएगा, अटल नगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं RP मंडल। क्लियर, चलिए इसके बाद आज के इस एनालिसिस वीडियो का हमारा जो लास्ट का टॉपिक है, जैपनीज इन्फ्लाइटिस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। कब से शुरू किया गया है? 23 नवंबर से शुरू किया गया है। कब तक चलेगा? 18 दिसंबर तक चलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस अभियान को यानी कि इस कैंपेन को छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में शुरू किया गया है। कौन कौन सा जिला है ये भी याद रखिएगा, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और धमतरी। और इन 5 जिलों के लगभग 10 लाख बच्चों को जो है वो जैपनीज इन्फ्लाइटिस से बचाव के लिए टीकाकरण यानी कि टीका लगाया जाएगा, और 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को टीका लगाया जाएगा। जैपनीज इन्फ्लाइटिस क्या होता है? सुअर या फिर चमगादड़ से ये उत्पन्न होता है, उसके बाद मच्छर इन्हें काटते हैं और वो इन्फेक्टेड होकर आके मनुष्य को काटते हैं, फिर मनुष्य जो है इससे इन्फेक्टेड होता है। सिम्टम्स में अगर बात करें तो तेज बुखार आता है, सर दर्द होता है,
तो इस तरह से इसके कुछ सिम्टम्स हैं। और इंसान से इंसान नहीं फैलता, ये मच्छर के काटने से फैलता है। और जैपनीज इन्फ्लाइटिस का वैक्सीन अवेलेबल है, इसलिए छत्तीसगढ़ में 23 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है। और अगर इसका सही समय पर उपचार नहीं किया गया तो इससे मौत भी हो जाती है, तो मौत के आंकड़े को कम करने के लिए इस वैक्सीन को लगाया जा रहा है। तो जैपनीज इन्फ्लाइटिस के बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में शुरू किया जा रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और धमतरी, 15 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। क्लियर है? तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके पिछले 24 नवंबर से लेकर अब तक, वो सारे हमने कर लिए, कोई भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छूटा है। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए आपका ईयरली मैगजीन भी इस महीने के अंत में ज़रूर आएगा, उसे भी आप लोग उससे भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। PDF इसका ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, और वीडियो पसंद आने पर आप लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।